हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आज मैंने एक बॉडी पॉलिशिंग बनाई है जो कि बहुत ही अच्छी है, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करेगी। और आज मैंने वही पॉलिशिंग लगाई हुई है, अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई किया था। तो मैंने सोचा, मैं कुछ दिनों से इसको अप्लाई कर रही थी, तो मैंने सोच लिया था कि आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी मैंने इसमें यूज़ किए हैं, तो मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको ये आपकी किचन में ही अवेलेबल मिल जाए, मतलब हो जाएंगे आपको अवेलेबल मिलेंगे, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने घर पर जो चीज़ें रहती हैं किचन में, मोस्टली चीज़ें किचन में ही ये मिल जाती हैं। कुछ कुछ एक दो चीज़ें होंगी जो आपको मार्केट से लेनी होंगी। अगर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते रहते हैं तो आपके पास शायद हो भी, तो अगर मुझे आप फॉलो कर रहे हैं तो शायद ये सारी चीज़ें आपके पास हों। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप ये वीडियो पे आप इंटरेस्ट लेते हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो लाइक है ये बिल्कुल फ्री होता है, आप ऐसे ही कर सकते हो। और ये वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर लाइक करिए। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, हम लोगों को अच्छा लगता है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने का मन करता है। फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग कहते हैं कि लाइक करिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और सब्सक्राइब कीजिए, जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा फ्रेंड्स। और जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का, तो आप उसको भी देख पाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं इस टॉपिक पर कि मैंने ये बॉडी पॉलिशिंग किस तरह से बनाया है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं फ्रेंड्स। तो ये मैंने बहुत ही अच्छे से, इस जो वेदर अभी चल रहा है, जो रेनी सीजन चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि आपकी स्किन मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। कभी कभी अच्छा भी लगता है, ठंडा महसूस होता है, कभी आपकी स्किन ड्राई रहती है, इचिंग रहती है, मतलब किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी बॉडी में है फ्रेंड्स, तो ये बॉडी जो पॉलिशिंग है ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्किन में अगर किसी भी तरह के दाने हैं, आपकी स्किन में रैसेज हो गए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा रैसेज हैं, और अगर मैं थोड़ी सी भी स्किन अगर ऐसे इस तरह से अगर खींचती है, अगर थोड़ा भी मतलब स्ट्रेच हो जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि मुझे इधर पर बहुत ज़्यादा रैसेज वगैरह हैं। तो ये कैप्चर इतना नहीं हो रहा है, और आप देख ही रहे होंगे कि मैंने ये बॉडी पॉलिशिंग अप्लाई किया था सुबह में, और अभी आई थिंक 3 बज रहा है, 3 टाइम हो रहा है शायद, 3 बजने वाला होगा शायद। तो अभी देखिए आप कितना देर हो गया। मैंने सुबह 7 बजे हाँ मैंने वॉश कर लिया था, बॉडी पॉलिशिंग कर ली थी, क्योंकि मैं सुबह सुबह ही मैं बॉडी वॉशरूम जाती हूँ और पूरा फ्रेश व्रेश होकर फिर सब कुछ, फिर मैं किचन में जाती हूँ, उसके बाद ही सब काम शुरू होता है मेरा। तो मैंने सुबह में ही अप्लाई किया था, और उसके बाद मैंने एक बॉडी लोशन लगाया है। और बॉडी लोशन आप कोई भी लगा सकते हो, बेसिल वाला लगा सकते हो, नीविया का लगा सकते हो, जो आपको सूट कर जाए आप वो लगा लीजिए। तो मैं हमेशा समर्स में हमेशा ही मैं वैसलीन का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ये समर के लिए बहुत अच्छा बेस्ट लगता है, क्योंकि ये ग्रीन वाला जो आता है ना, एलोवेरा वाला और कुकम्बर है शायद उसमें, शायद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट हाँ एलोवेरा तो है ही। तो ये बहुत ही अच्छा है, और मतलब आपकी स्किन पे ये चिपचिप नहीं करता, इस वजह से मुझे अच्छा लगता है सिर्फ, और कुछ नहीं। और मुझे स्वेटिंग की वजह से स्क्रैचेस हो रहे थे, दाने हो रहे थे, तो मैंने जब ये इंग्रेडिएंट्स डाले इसमें और मैंने ये अप्लाई किया है, मैंने इसको अल्टरनेट डे पे ही अप्लाई किया है, 2 से 3 दिन बाद ही मैंने लगाती रही हूँ। आप भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको 2 बेनिफिट्स होंगे इससे, आपकी बॉडी क्लीन भी रहेगी, आपकी स्किन में ग्लो भी आएगा, आपकी स्किन हेल्दी भी होगी, आपकी स्किन में अगर जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो वो ड्राई भी नहीं रहेगी, और आपकी स्किन में कुछ भी इचिंग वगैरह है वो भी इससे सॉर्ट आउट हो जाएगी फ्रेंड्स। इसमें इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल रखे हैं, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी ये मैंने क्या क्या इसमें डाला है। तो अभी तो मैं सिर्फ इस बारे में बात कर रही हूँ कि इसमें इसके जो बेनिफिट्स क्या हैं वो बता रही हूँ मैं अभी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने ये बनाया है, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने ज़्यादा बना लिया था, क्योंकि
मैं अपने बेटे को भी लगाऊंगी, अपने हस्बैंड को भी लगाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं जब अप्लाई करती हूँ तो इन लोगों को भी ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि लोगों को भी अच्छा रहना चाहिए ना। अगर मैं हूँ तो इन लोगों को भी ज़रूरी है ये सारी चीज़ें लगाना। तो इस तरह से मैं अप्लाई कर लिया था, मैंने सुबह ही अप्लाई किया। ये लोगों को थोड़ा सा ज़बरदस्ती पकड़ के लगाना पड़ता है इस वजह से। तो फ्रेंड्स बातें हैं कि इस पर, तो ये आप लोगों को अगर आपकी स्किन पर छोटे छोटे दाने हो रखे हैं, आपके बैक में आपकी स्किन पर रैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रैसेज हो रहे हैं, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे, तो मुझे बैक पे रैसेज हो गए हैं, मुझे दाने हो गए हैं छोटे छोटे। तो मैंने इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐसा डाला है, जो मैंने सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट डाला है इसमें, तो वो इस जो मैंने इसमें डाल रखा है वो इससे ये दाने मुझे बिल्कुल ही क्लीन हो रहे हैं, और जो मेरी डेड स्किन है वो भी निकल रही है, रिमूव हो गई है एकदम। और आपके अगर आप इसको लगाते रहते हैं ना, आप इसको जो भी कोई बॉडी पॉलिशिंग आप अगर यूज़ करते रहते हो, तो जितने भी आपके दाग धब्बे होंगे वो हट जाएंगे, आपकी स्किन में जो हेयर होते हैं जो हमारे बॉडी पर छोटे छोटे से जो रोम बोलते हैं हम लोग, तो वो भी रिमूव होंगे, मतलब धीरे धीरे से निकल जाएंगे। एक्चुअली मुझे एजेस रोम वगैरह नहीं है, मैं एकदम क्लीन है मेरी बॉडी। मुझे लेग पर, मतलब मेरी बॉडी में हेयर है नहीं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ टचवुड की मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे वो बार बार वैक्सिंग करवाना मुझे पसंद नहीं है, इस वजह से शायद पहले थे बट अब बिल्कुल ही क्लीन हो गए। पहले मुझे थे इतने छोटे छोटे, जब मैं वैक्सिंग कराती थी तो वो निकलते ही नहीं थे, तो अब तो बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, मैं नहीं जानती, लेकिन ये अपने आप से ही ये गायब हो गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बॉडी एकदम स्मूथ है, चिकनी है, एकदम से क्लीन रहती है। और जब से मैंने इस तरह के बॉडी पॉलिशिंग अप्लाई करना स्टार्ट किया है, मतलब करती तो मैं पहले भी थी लेकिन कम करती थी, बट जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें ज़्यादा अप्लाई करती हूँ। इस वजह से मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। आपको एक बार में कभी इस तरह का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, आप इसको करते रहिए फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा बकबक हो गई है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मैंने बता दिए हैं, तो चलिए फटाफट से देख लीजिए इसको मैंने बनाया कैसे है और इसको अप्लाई कैसे किया, फटाफट से देखिए फ्रेंड्स। बॉडी पॉलिशिंग के लिए हमें चाहिए ये आटा है, ये नॉर्मल आटा जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं वो उस तरह का आटा है, ये वही आटा है। तो मैं इसको ले रही हूँ, आप इसको बनाकर भी रख सकते हो, मतलब पाउडर फॉर्म में सूखा ही ड्राई करके रख लीजिए। सारी जो भी चीज़ें मैं डाल रही हूँ इसमें, तो आप मिलाकर भी रख सकते हो, बनाकर इस तरह से सब साथ में मिलाकर रख सकते हो। और ये मैं पूरी बॉडी के लिए बना रही हूँ, उसी हिसाब से मैं ले रही हूँ। तो मैं सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपको घर में ही मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स आपको घर में ही मिल जाने चाहिए, आपके किचन में ही मिल जाएंगे। और बहुत अच्छा होता है ये आटा स्किन पे लगाना। और मैंने इसमें कुछ भी एजेस कुछ मतलब छान के मैंने नहीं लिया है, बस ऐसे ही ले लिया है। और मैं ले रही हूँ इसमें चिक्की फ्लावर, यानी कि बेसन, चने का आटा है ये। तो मैं सब तरह से बता दे रही हूँ क्योंकि मुझे ये बनाना है, और मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा रैसेस वगैरह हो गए हैं, मेरे स्किन बहुत ही ज़्यादा रैसेस आ रहे हैं, क्योंकि स्वेटिंग की वजह से मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी मतलब बहुत ख़राब हो रही है मेरी स्किन इस वजह से। और मैं लूँगी इसमें, ये मैंने बादाम को पीस लिया है, तो ये बादाम पाउडर भी ले रही हूँ मैं इसमें। ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं आपकी स्किन के लिए, तो आपको इस तरह की चीज़ें लेते रहनी चाहिए और यूज़ करनी चाहिए। और मैं एक इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छा डालूंगी जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा, और मैं ले रही हूँ इसमें ये है नीम पाउडर। और ये नीम पाउडर आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप किसी भी शॉप से ले सकते हो, आप जहाँ से आप कोई सामान लेते हैं वहाँ पर, जानते ही होंगे सभी लोग, ये तो मिल जाता है आराम से। तो इतना डाल ले रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं है, पूरी बॉडी पर लगाना है मुझे, उसके लिए तो ये ठीक ही है। और लूँगी मैं अपनी स्किन पर लगा रही हूँ, अपने मतलब बॉडी पर लगा रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा चंदन पाउडर भी ले लूँगी। ये जो भी चीज़ें मैं ले रही हूँ ना फ्रेंड, बहुत ही अच्छी हैं, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा नरिशिंग करेंगी, आपकी स्किन को ग्लो देंगी, आपकी स्किन में जितनी भी डर्ट होगी, आपकी स्किन में जो डेड स्किन होगी वो भी निकल जाएगी। और ये चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं,
उत्तराखंड। और ये मैं ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है, ये हमें आपको हमेशा लेना चाहिए। अगर आप ये मानसून के लिए बना रहे हो, मानसून चल रहा है और इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक हो रही है और आपकी स्किन में रैसेज आ रहे हैं, आपकी स्किन में छोटे मोटे से दाने वगैरह निकल रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट इंग्रेडिएंट्स है और ये है फिटकरी आलम। ये मैंने आलम पाउडर लिया है, ये इस तरह की फिटकरी आती है जो मार्केट में मिल जाती है, आपको मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, तो मैंने इतना ही लिया है। और ये इस तरह का था तो मैंने इसको पीस लिया है इस तरह से, तो मैं ये सारा ही डाल दूंगी क्योंकि मुझे अच्छे से अपनी बॉडी पर पॉलिशिंग करनी है। तो बैक में मुझे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मुझे रैसेस वगैरह, दाने वगैरह, इसलिए मैं ये इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ जो कि बेस्ट है। और मैं अब लूँगी आलमंड ऑयल, ये स्वीट आलमंड ऑयल है, ये हमदर्द का ले रही हूँ मैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप ले सकते हो, बहुत ही ज़रूरी होता है। और मैंने इसमें पाउडर भी डाला है आलमंड का, तो वो भी बेस्ट है, बट ये भी मुझे चाहिए था। और ये तो मैं भूल ही गई हूँ, ये एंटीसेप्टिक होती है, ये है वाइल्ड टर्मरिक, तो यही मैं ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगी, बस इतना ही लूँगी। और मैं मिल्क के साथ इसको, ये है ये है रॉ मिल्क, तो मैं इसके साथ ही इसको बना दे रही हूँ, अच्छे से मिला के, अच्छे से, बिल्कुल भी एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए, बहुत ही अच्छे से इसको अच्छे फॉर्म में मिलाना है आपको, एकदम बहुत अच्छे से मिल जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए, सॉरी लाइट चली गई। तो ऐसे ही मिलाते जाइए आप, और इसको थोड़ी देर आपको मिलाकर रख देना है, फिर उसके बाद आपको यूज़ करना है, तो मैं यूज़ करना भी आपको दिखाऊंगी। और थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स, तो उसके लिए सॉरी। तो ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इसमें, ये आप लोगों के बहुत ही अच्छे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है बारिश के मौसम में, इस तरह का आप बॉडी पॉलिशिंग करेंगे जब अपनी बॉडी पर, तो आपकी स्किन के जितने भी जो निशान, मतलब निशाने जो, मतलब छोटे मोटे दाने वगैरह होंगे आपकी स्किन पर, डर्ट होगी आपकी स्किन पर, जो ऐसे ही जो दाने वगैरह हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हो जाते हैं बॉडी पर, हो जाते हैं कभी कभी बैक में, तो वो सब इससे निकल जाएंगे आप ये करते रहेंगे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे इसको मिक्स करने के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है इस तरीके से, और इसको बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए आपको अपनी बॉडी पर, एज ऐसे ही लगाना है और इतना ही थिक होना चाहिए। और अगर आपको थोड़ा सा और गीला कर लेते हो, मतलब थोड़ा और पानी डाल लेते हैं तो ठीक रहेगा, वैसे इनफ है ऐसे, इस तरह से गिरना नहीं चाहिए, देखते हैं, फिर भी थोड़ा पानी में डाल लेती हूँ। और फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा है, अभी मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, बस ऐसे ही कंसिस्टेंसी भी चाहिए हमें, तो मैं इसमें थोड़ा सा वाटर मिला लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें वाटर मिला लिया है क्योंकि ये बहुत थिक हो गया था ज़्यादा, तो इसलिए मैंने वाटर डाल दिया है इसमें, और मैं आपको हैंड पर ही करके दिखाऊंगी मैंने अपनी बॉडी पर, तो मैं बाद में कर लूँगी, बट अभी हैंड पर दिखा रही हूँ इस तरह से। और ये ग्रीन क्यों है, क्योंकि मैंने इसमें नीम पाउडर डाला है इस वजह से। और आपको इस तरह सर्कुलर मोशन अच्छे से इस तरह से मसाजिंग करनी है आपको। और ये पता नहीं क्यों लाइटिंग प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा ब्लैक नज़र आ रहा है, लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो इसको अच्छे से इस तरह से आपको लगाना है और इस तरह से ही अप्लाई करना है आपको, और ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में आपको ऐसे मसाज करनी है आपको। अगर कहीं पर ज़्यादा ब्लैक है तो वहाँ करते रहिए, या आपकी जितनी भी डेड स्किन है वो निकल जाएगी इससे, आपको इसी तरह से करना है बस, और कुछ नहीं करना है, और ये आराम से ये निकल जाएगा। और हमेशा जब भी आप बॉडी पॉलिशिंग यूज़ करते हैं तो आप हमेशा आपकी जो स्किन है बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, तो क्लीन होगी तभी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से
काम करेगा और मैं आपको दिखा रही हूँ, इस वजह से मैं यहाँ कर रही हूँ। तो आप वॉशरूम में करिए, पूरी बॉडी में करना है इस वजह से। तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है, आपकी स्किन एकदम क्लीन हो जाएगी। इसमें मैंने आटा डाला है, गेहूं का आटा, जो वीट फ्लावर डाला है वो, उससे आपकी स्किन में जितनी भी आपकी स्किन में डेड स्किन होगी वो निकल जाएगी आपकी स्किन से। आपकी स्किन एकदम क्लीन हो जाएगी, डीपली क्लीन होती है। बॉडी पॉलिशिंग क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि आपकी स्किन डीपली क्लीन हो जाए, इस वजह से। जो भी चीज़ें मैंने डाली हैं ये आप ज़रूर डालिए। आपके पास अगर फिट करी ना हो तो उसको अवॉइड नहीं करनी है, आपको वो लेकर आना है, और उसको तो आपको ज़रूर डालनी है, क्योंकि अभी ये जो मौसम चल रहा है बारिश का, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है वो। इस तरह से मैं निकाल ले रही हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ। एकदम क्लीन हो जाएगा, आप दिखाऊँगी मैं आपको, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड देख लीजिए, मैंने अपने हैंड को वॉश कर लिया है और आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये लाइटिंग की प्रॉब्लम है, नहीं तो मुझे दिख रहा है, आपको पता नहीं कैमरा कैप्चर कर रहा है या नहीं, कि ये बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल शाइनिंग आ गई है। आपकी स्किन ग्लो करेगी। आप इसको एक बार मेरे कहने से इसको बनाइए और इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए, ये बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, नीम आपकी स्किन से बिल्कुल भी, अगर आपकी स्किन में थोड़ी सी भी मतलब किसी तरह की बैक्टीरिया से लड़ने की शक्ति होती है नीम में, तो वो आपकी बैक्टीरिया जितने भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी स्किन में किसी भी तरह की, तो वो हील कर देगा आपकी स्किन से, बिल्कुल सही कर देगा। तो मैंने दोनों हैंड पर अप्लाई कर लिया है, तो आप देख सकते हो, और ये बिल्कुल क्लीन हो गए हैं मेरे हैंड, और मेरे स्किन वैसे भी हेयर नहीं है, मुझे बिल्कुल भी हेयर नहीं है मेरे हैंड पर। अगर आप ये रेगुलर ये वाला बॉडी पॉलिशिंग यूज़ करते हो तो आपको आपके जो हेयर हैं वो भी इससे धीरे धीरे एकदम एक बार में तो नहीं जाएंगे, ये तो क्लियर है, लेकिन आप इसको लगाते रहेंगे, आप एक दो दिन बाद इसको लगाइए, तो आपकी स्किन से बिल्कुल भी हेयर होंगे आपके वो निकल जाएंगे, बॉडी से आपके हेयर बहुत ही कम हो जाएंगे, धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएंगे, अगर आप इसको किसी भी तरह की बॉडी पॉलिशिंग अगर यूज़ करते रहते हो तो। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को ये हमेशा अप्लाई करना चाहिए इस तरह की चीज़ें, ये बहुत ही डीपली क्लीन करती हैं। ये टावर जेल और साबुन, ये सारी चीज़ें तो हमारी स्किन साफ़ करती ही है, लेकिन ये आपके जो पोर्स होते हैं, आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो एकदम से डीपली क्लीन करती है ये सारी चीज़ें, इस वजह से ये बहुत ही अच्छी होती है। तो इसको आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और ये देखिए, ये मुझे इससे निशान हो गया है, पता नहीं, और ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जा रही हैं मेरी, तो ये इधर पर ऐसे बंदा बंदा इस तरह से हो गया है निशान। तो फ्रेंड्स, यही मैं कह रही हूँ, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। और ये आपको पूरी बॉडी पर अप्लाई करना है, ये बहुत ही अच्छा माइंड ब्लोइंग है ये बॉडी पॉलिशिंग, आपको ये ज़रूर बनाना चाहिए और ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ एक लाइक करिए, तो आप लोगों को अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने इसको किस तरह से बनाया, किस तरह से अप्लाई किया है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही ईजी प्रोसेस है। अगर आपके पास जो फिटकरी आलम जो बोलते हैं, अगर वो आपको टुकड़ों में मिलती है, मतलब साबुत मिलती है, तो आप उसको क्रश कर लीजिए, आपको पेस्ट पाउडर फॉर्म बना लेना है, उसके बाद इसमें अप्लाई करना है फ्रेंड। तो इसी जो इंग्रेडिएंट्स है, यही मेन इंग्रेडिएंट्स है कि आपकी स्किन में जो कोई भी प्रॉब्लम है, रैसेस वगैरह हैं, तो ये फिटकरी जो मैंने डाली है, आलम जो डाला है इसमें, इससे बिल्कुल ही क्लीन हो जाते हैं, हील हो जाते हैं। क्लीन क्या, हील होंगे तभी तो ये दाने वगैरह आपकी स्किन में, डेड स्किन है वो भी निकल जाएगी। मतलब इससे पूरा मेरी बॉडी एकदम क्लीन है, और मैंने जब अपनी स्मूथ भी बहुत हो जाती है, क्योंकि अब जब ये चीज़ें इसमें डाली रखी हैं, मैंने बादाम ऑयल डाला है, बादाम का पाउडर डाल रहा है, क्या क्या चीज़ें मैंने नहीं डाली है इसमें,
जितनी भी चीज़ें डाली हैं सारी स्किन स्किन में इतने अच्छे वर्क करती हैं, आपकी जो डीपली क्लीन करती हैं आपकी स्किन को। साबुन और जो शावर जेल होते हैं वो सिर्फ हमारी स्किन की ऊपरी परत साफ करते हैं, ये अंदर तक साफ नहीं करते। लेकिन जब ये जो चीज़ें मैंने बॉडी पॉलिशिंग में यूज़ की हैं ये आपकी डीपली क्लीनिंग करेंगे, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करते हैं। तो आपकी स्किन अंदर से जब क्लीन होगी, फ्रेश हो जाएगी, तो आप खुद ही नज़र आएगी आप लोगों को कि कितना बेनिफिट दे रही है ये बॉडी पॉलिशिंग। इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें इसमें अप्लाई किया है और डाली हुई हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको अच्छा लगा है ये वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिए, प्लीज़ लाइक करके ही जाइए। और आज मैंने अपनी हेयर स्टाइल थोड़ी सी चेंज की है फ्रेंड्स, क्योंकि हमेशा बाल खुले खुले करके तो बोर हो गई थी, तो इसलिए मैंने आज एक पौनी बना रखी है। और ये मेरे बाल जो ये हेयर है ना वो बहुत छोटे हैं, तो ऐसे ही रहते हैं मेरे, कभी भी ये बड़े होते ही नहीं हैं, हमेशा ऐसे ही रहते हैं तो। और मैंने, और आप देख ही रहे होंगे, मैंने अपनी बॉडी कुछ भी, मैंने अपने फेस पर भी कुछ नहीं लगाया है और एकदम सेम लग रही है पूरी बॉडी। कुछ भी अप्लाई मैंने इस तरह से कुछ भी नहीं किया है, बस एक थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया है मैंने और एक कॉम्पैक्ट लगाया है, लैक्मे का फाउंडेशन और लैक्मे का ही कॉम्पैक्ट लगाया है मैंने बस, और कुछ भी अप्लाई मैंने नहीं किया है अपने फेस पर। तो बस इतना ही है, और आईब्रो सेट की है, और अपनी जो मैंने डार्लिंग इज़ावेला का मैंने लिप शेड लिया है पिंक, वो मैंने लिप्स पर लगाया है। दैट्स इट, इतना ही मैंने आज, मैं तैयार हुई हूँ। मैंने कोई आईलाइनर कुछ भी नहीं लगाया, नो आई शैडो, नो आईलाइनर, नो मस्कारा, कुछ भी नहीं अप्लाई किया, सिर्फ आपके सामने ऐसे ही आई हूँ, क्योंकि मैंने की थी बॉडी पॉलिशिंग, तो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इसके बाद आपकी स्किन कितनी डीपली क्लीन होती है फ्रेंड्स, इसलिए बता रही हूँ। आप लोगों को ये ज़रूर बनाना चाहिए, और हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ शेयर कीजिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए। जो ये मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत कीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्री होता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और इसके बाद ही, जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आपको बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी जरूर हिट करिएगा। जैसे ही आप बेल आइकन हिट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा न्यू वीडियो का। तो फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, मैं थक भी रही हूँ, थोड़ा सा स्लो हो जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, आगे कल मिलूंगी मैं आपसे, बाद में फिर मिलती हूँ, एक्चुअली कल क्या, तो मैं मिलती ही रहती हूँ। हाँ, और हाँ फ्रेंड्स, मेरे थोड़े वीडियो आपको लेट पहुँच रहे हैं, थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, घर में बहुत ज़्यादा काम है, इस वजह से थोड़ा सा बिज़ी रहती हूँ, इस वजह से एक दिन गैप हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। मैं वैसे डेली ही अपलोड करने की कोशिश करती हूँ अपनी वीडियोज़, तो इसके लिए आई एम सॉरी, और मुझे माफ़ कर देना आप, थोड़ा सा तो इग्नोर कर ही दीजिएगा कि हाँ, जिस समय जाते हैं वीडियो उस समय तो आपके पास पहुँच ही गए हैं, लेकिन आप वेट किया कीजिए, एक दिन के बाद तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मेरा वीडियो, अपलोड जरूर करूँगी मैं। और जैसे ही मैं फ्री हो जाती हूँ, एक हफ्ता या तीन चार दिन तो लग ही जाएंगे मुझे, बिजी मैं नहीं रहूँ शायद, अभी कुछ बोल नहीं सकती, पहले से मैं कुछ नहीं कह सकती फ्रेंड्स, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, बाय। आई होप आप हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा फूड खाइए, ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं, लेकिन उसके बाद आपको आपकी स्किन के लिए हेल्दी रखने के लिए, आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, तो आपको अच्छा खाना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है और अच्छे से रहना है। और पानी बहुत सारा पीजिए, लॉट्स ऑफ वाटर, 2 से 3 लीटर पानी तो आपको पीना ही है फ्रेंड्स। चलिए बाय बाय फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बात हो गई, आई लव यू।